तो गाइस फाइनली एसआर के उर्फ पठान ने दस्तक दे ही दी और साथ ही स्पाई यूनिवर्स का ऐलान भी कर दिया और कुछ फैंस तो सुपर एक्साइटेड है और कुछ पठान में गलतियां निकाल रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि पठान बढ़िया है या बकवास। नंबर वन, पठान की कास्ट और कास्ट सिलेक्शन एक नंबर है क्योंकि जॉन अब्राहम विलन अवतार में जबरदस्त लग रहे हैं, वहीं दीपिका भी खतरनाक एक्शन मोड में है और किंग खान एसआर के तो क्या ही कहने, उनकी लुक एक्शन और डायलॉग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। नंबर टू, स्टोरी, तो यार स्टोरी तो वही घिसी पिटी है, एक तरफ रोएजेंट दूसरी तरफ टेररिस्ट जो इंडिया को तबाह करना चाहते और ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि मूवी का हीरो पठान उसे रोक ही देगा, जो कोई नई बात नहीं है। नंबर थ्री, न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब हर जगह कुछ नया दिखाने की कोशिश की है, चाहे वो न्यू टेक वाले बॉम्ब हो या लास्ट का जेट फाइट सीन, जो थोड़ा अजीब तो लगा लेकिन कुछ हटके है इंडिया के लिए, मतलब एकदम हॉलीवुड वाली वाइब है। नंबर फोर, VFX, तो यार VFX कुछ परसेंट अच्छा तो है लेकिन उतना भी जबरदस्त नहीं है, लोग तो इसे मिशन इम्पोसिबल की सस्ती कॉपी बता रहे हैं। सच में यार VFX के मामले में तो मार खा गए क्योंकि SRK की मूवी का VFX इतना घटिया नहीं होता। नंबर फाइव, स्पाई यूनिवर्स, तो फाइनली पठान स्पाई यूनिवर्स की नींव रखेगा जिसमें सलमान खान तो 100% होंगे और हो सकता है कि इसमें वॉर मूवी के ऋतिक रोशन भी हों, अगर ऐसा हुआ तो बॉलीवुड धमाका कर देगा। नंबर सिक्स, एक्शन, तो यार एक्शन सीन तो भर भर कर डाल रखे हैं जिसके चलते लॉजिक और स्टोरी गुम हो जाती है, बस हर तरफ मार धाड़ जैसे कि कंगना की धाकड़ मूवी चल रही हो, मतलब यार दुबई जैसी कंट्री जो इतनी सेफ है वहां पर खुलेआम मार धाड़ चल रही है।